जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित की गई 3 अनुविभागीय अधिकारी समेत 8 थाना प्रभारियों एवं 100 से अधिक आरक्षकों की टीम ने बीते दिन 4 मई की रात हुई सराफा व्यापारी के साथ गोली मारकर लूट की घटना का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस टीम ने अपने अथक प्रयास एवं कैमरों के फुटेज, साइबर सेल तकनीकी सुराग से 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है तथा 3 बदमाश पकड़ से दूर हैं। वहीं लूटकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता में किया है। वहीं पुलिस टीम के 48 घंटे में खुलासा करने पर सराफा व्यापारी वर्ग ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत पुलिस टीम का सम्मान किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट की घटना का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 3 आरोपी फरार हैं, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से असलहा एवं लूट का माल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पवन कुशवाहा बाहर गेट झांसी एवं वीर सिंह कुशवाहा निवासी झांसी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों ने गुरुवार की रात करीब 9 बजे आनंद टॉकीज रोड पर सराफा व्यापारी मुकेश सोनी के पुत्र वैभव सोनी में गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त पिता पुत्र दुकान बंद कर घर जा रहे थे। आरोपी व्यापारी से सोने के जेवरातों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे। वहीं आरोपी को पकड़ने के लिए 8 पुलिस टीमें गठित की गई तथा 100 से अधिक CCTV कैमरा चेक किए गए। वहीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के जेवरात, मोबाइल, घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल शेष 3 आरोपी दीपक कुशवाहा, संजू कुशवाहा, होला कुशवाहा फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रेस वार्ता में SDOP प्रियंका मिश्रा, दीपक नायक, कणिक श्रीवास्तव सहित 8 थानों के थाना प्रभारी परमानंद शर्मा, रिपुदमन सिंह राजा व धवल सिंह चौहान, अजय अंबे आदि शामिल रहे। आनंद टॉकीज के सामने मुकेश सोनी जी और उनके सुपुत्र वैभव सोनी जी, जो सराफा व्यापारी हैं, उनके साथ कुछ बदमाशों ने गोली चलाकर लूट की घटना कारित की थी। हमें, हमारी पूरी टीम को, हमारे 3 SDOPs और 8 थाना प्रभारी, इनकी मेहनत के बाद इसमें सफलता हासिल हुई है। इसमें सभी आरोपियों को चिन्हित किया गया है। 2 आरोपियों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया और उससे उनसे करीबन 2 लाख रुपए के आसपास का जो मशरूका है वो बरामद भी किया गया और जो फायर आर्म्स और मोटरसाइकिल हैं वो भी बरामद किया गया। अभी 3 आरोपी इसमें फरार हैं। तीनों के ऊपर पृथक से 30,000 रुपये का इनाम अलग से घोषित है। इनके संबंध में भी हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इनमें भी हमें शीघ्र सफलता हासिल होगी। ये कुछ महीने पहले जेल रिहाई छूट के आए थे और ये लगातार पांडरी गांव में, नवाबाद थाना जिला झांसी में अपना डेरा बनाए हुए थे और पिछले 4-5 दिन से ये कुछ बीच में आकर जो घटनास्थल है वहाँ पर रेकी कर रहे थे। सर, इन लोगों का जो ग्रुप है पहले भी एक साथ वारदात कर चुका है, ऐसी वारदात में ये लोग इकट्ठे हुए? ये पहले अलग अलग वारदातों में शामिल हुए हैं बट कई सालों बाद इस वारदात में पहली बार ये लोग इकट्ठा होकर काम किए। मतलब इसमें से 1 आरोपी जो है वो बोलता हमारे यहाँ का रहने वाला है, बाकी जो 4 आरोपी है वो सभी झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। इसमें कल हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया। इसमें कई जो पुराने अपराधी हैं उन सभी को हमारे द्वारा चिन्हित करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और अगले 1 महीने तक हम इस पर एक अभियान जारी रखेंगे। इसमें अभी पिछले 15 दिन से हम लोगों ने इन सभी पुराने रिकॉर्डेड जो क्रिमिनल्स हैं 5 साल के, उनके फिंगरप्रिंट्स हम लोगों ने थाने बुला के कलेक्ट करवाए हैं और उनको जो हमारा डेटाबेस है उसमें हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही अभी इन लोगों के लिए डोजियर भरवाए जाएंगे और इनके जो निकटतम सहयोगी हैं या रिश्तेदार हैं जो इनकी सहायता करते हैं उनके संबंध में भी इसमें जानकारी हासिल की जाएगी। इसकी क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के जो बदमाश है मध्य प्रदेश की ओर भाग रहे हैं? ऐसा कहना तो अभी मेरे लिए संबंध नहीं है, ये जांच का विषय है। अगर इस संबंध में कोई जांच में तथ्य आएगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी तो क्योंकि कल ये आज ही पकड़े गए हैं तो अभी हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे, अगर इस संबंध में कोई तथ्य आता है तो मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जो इंदरगढ़ में जो चोर पकड़े गए हैं उनके संबंध में भी अभी हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। उनसे करीबन 10 चोरियों का खुलासा हुआ है और भी अन्य चोरियाँ अगर उन्होंने की हैं उसके संबंध में रिमांड लेके उनसे पूछताछ की गई थी और अभी साइबर टीम के द्वारा अलग से एनालिसिस भी किया जा रहा है। साथ ही परसों कुछ लूट के आरोपी इंदरगढ़ थाने में भी पकड़ाए थे, उनके संबंध में भी अभी जानकारी हासिल हो रही है और अलग अलग थाना प्रभारी अपने तरीके से उसको जो और पूछताछ है वो कर रहे हैं। संभवतः उसमें भी हमको कुछ अन्य सफलताएँ जो अभी तक उन्होंने नहीं कबूली हैं उसमें भी हमें सफलता हासिल होगी। दतिया से UD News के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।